प्रणाम मिथिला। और अखन हम छी ककरोल गांव में, मतलब हम अपने गांव में। और बहुत सौभाग्य के गप है जे एकटा हमर कका छथि ओ पंजीकार मतलब बहुत उत्कृष्ट लेवल के, मतलब बहुत ऊपर लेवल के कह सके छे से छथि। उनका कोनो चीज से सम्मानित कैल गेलन है, कौन सम्मान, मिथिला विभूति, मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित कैल गेलन है दरभंगा के अंदर में। और उनका एहन पंजीकार संभवतः इम्हर कतौ नहीं अहाँ के भेटत, क्योंकि बहुत बेसी जानकारी रखे छथि और बहुत बेसी नोन आदमी सेहो छथि। हालांकि सोशल मीडिया से सब दूर छथिन, ताहि दुआरे इनका अहाँ सब गोटा बहुत आदमी नहीं देखने अब। तो हम चाहे छी आई एहनो आदमी जे छथि जे एते सम्मानित छथि, जिनका एते नॉलेज छनि, एते ज्ञान छनि, तो उनका से अहाँ के भेंट करे के मौका देल जाए। तो चचा स्वागत है अहाँ के मिथिलांचल ब्लॉग्स में। चचा ई जे अहाँ के सम्मान भेटल है ई कथी छे, मतलब बेसिकली कथी के सम्मान, कथी लेली सम्मान भेटे छे? धर्मशास्त्र में इधर के विवाह मुख्य संस्कार, विवाह संस्कार के लेल इतने सब कन्या सब सब बड़ के विवाह नहीं हो सके, ओय लेल जे नियम बनायल गेल, स्मृति में बनाओल गेल छे, तदनुसार विवाह जे भेल वह विवाह बैठ गए। ई बात मिथिला में महाराज हरसिंहदेव नामक भेल छला, हुनका काल में ओहि समय के जे पंडित सब छला तकर सभा बैसा कऽ हमर पूर्वज गुणाकर उपाध्याय छला, हुनका मैथिल वंशक भार सौंपल छी जे धर्मशास्त्र नियम के मुताबिक वंशावली देख तखन निर्णय देल जाए, पंजीकार निर्णय दैत, आ ओ निर्णय देलाक बादे विवाह हुए वह विवाह वैध मानल जाए। से जे भार देलखिन महाराज हरसिंहदेव हमर पूर्वज महोपाध्याय गुणाकर के, ओहि भार के ओ स्वीकार कऽ कऽ समस्त मिथिलाक मैथिलक कुलक वंशावली इकट्ठा करवौलनि। और ओही दिन से लगभग 750 वर्ष, 750 वर्ष की बात के भौ गेल, हाँ हाँ 750 वर्ष से ई पंजी नाम से प्रथा चलो। हमरा हमर 19 पीढ़ी ऊपर छला गुणाकर उपाध्याय, ओ जे से वह जे से ओ अनेक गोटा के क्रमिक भाग देखे। और हमरा घर में तो बात भले कि जब कोई 5 भाई छला तो 5ों भाई पंजीकार, ओ समय में ई छले कि न्याय धर्मशास्त्र पढ़लाक बादे ई विषय पढ़ब छे, कहते में न्याय की छे जे एतेक दूरी पर हुए तो लेल जे धर्मशास्त्र निर्णय छै ओहि मुताबिक निर्णय देल जाइ छै। ओहि विषय मे हम 19 पीढ़ी में छी, जे निर्णय ओहि समय मे भेल जे कोना अधिकारक जाँच हुए, कते दूर तक वर्जित छै, ओकर हम पालन करैत एलहुँ। संग संग हम 2 विषयक आचार्य छी, पंजी प्रबंधक विषय मे उत्कृष्ट मानि कऽ विद्यापति सेवा संस्थान स्वर्ण जयंती के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा कुलपति के द्वारा उनका हाथ से हमरा भेटल, सम्मानित कयल गेल, सम्मानित कयल गेल। जे अहाँ 2टा विषय में छी, मतलब जो उपाध्याय दुनू अलग अलग छे, दुनू अलग अलग, ओ साहित्याचार्य छे, ओ अलग चीज किछ देखे के नहीं छे, सबटा कंठस्थ छे, ताहि दुआरे
तो मतलब कहे के मतलब जे ई जे छे मतलब जे आके सम्मानित आई में मिथिला में अहा स्तर के कोई नहीं छे एक नंबर अव्वल दर्जा आही के अव्वल दर्जा आके चाचा एकर महत्वता की छे अपन सब के मिथिला में पंजीकरण जे पंजीकरण चले दैल छे एकर की महत्वता छे मेन एकर महत्व ई छे पहिने तो ब्राह्मणत्व रक्षा तकर बाद विवाह संस्कार भेले तो अनुमति अगला संतति जे तकर जन्म के तो जन्मक विशुद्धता तखने कायम रहते जे यदि पंजी प्रबंध में जे सब नियम बनल छे तकर पालन है सब नियम के पालन हेतै तकर बाद नो है तो वर्ण संकर वर्ण ओकर दूषित भ गेल संकर तो आइ गेल तै दुआरे पहले ते कुल मूल ई सब देखल जाय छे हां 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 ओहे दुआरे पंजी प्रबंध में व्यक्ति के गुण और दोष दोनों लिखल छे कोनो विशेष गुण छे तो हो अविशेष दोष छे तो हो तो वो पूरा वृत्तांत कन्या पक्ष बराज पक्ष गुरु के वैशाख बचल जाए वो बचलाक बाद वो सुन के दोनों पक्ष निर्णय ले छला जो हम ऐठम संबंध करी बा नहीं कर मने विवाह हेते नहीं प्रवृत्त वो विवाह के लिए प्रवृत्त बा निवृत्त नहीं करब सो हो सके छे करब सो हो सके हो तो वह सात पुस्तक के अहा सब जे देख के बनबे छी वह सब बनबे छी नै हां ई छै कि नै जे विवाह के नियम छै जो सगोत्र नै हुए समान प्रवर के नै हुए सपिंड सपिंडा कन्या नै हुए अने कन्या सो हम सब पुरुष वर से सपिंड नै पड़त सपिंड कहे छे जकरा तो पिंड कहे छे शरीर के एक शरीर सब दोसर जकरा अन्वय नहीं हुए तकरा से हेते यदि अन्वय छे मतलब कोनो तरह का तो रिश्ता नहीं निकलवा छे इसे कहे के मतलब ई से तकर विचार छे ओ संबंध कते दूर धर बढ़ जित हेते क्या पुस्तक या की बारे हां 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 से पुस्तक जे छे बात ए सुने सो वंश से ने एके पीढ़ी के अने एकेटा वंश के ने ओई वंश के जे जे पुरुष सा संबंध भेल छे से सबटा के देखो पड़ी छे तकर बाद बने छे हां 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 कोन कोन पूर्व छे मान लिया जे अहा के बारे अहा तो सोझे अहा के पूर्व जे पिता पिता प्रबला और तसे भए नहीं अहा के जे पिता के जे मातृक सो हो पिता भग मातृक सो हो अहा के मातृक सो हो अहा के मातृक सो हो मतलब सबटा वंशावली बनाए जाय छे वंशावली के ध्यान में रखत तखन निर्णय सांग गोपान ई ताब तो अपना सब दिस बहुत पहले से कम भ गेले का मतलब पहले जना छले जते मानल जाय छले से ताब धीरे धीरे लोग सब बात ई छले पहिने लोकक संख्या कम छले हां आब लोकक संख्या बाहुल्य भ गेले हां आब एखन जे भ रहल छे तो आगा की हेते से लोक देखे लेकिन ओकर असर स्वास्थ्य पर पड़े स्वास्थ्य पर अधिकांग हिनांग हां नहरी में आ पहिने जे होइत एले या तै में तो लोक देखल कै या जे ओ ओ संतान के दस्ती में रहे ओ आ मिथिला अहि लग प्रसिद्ध होत जे ई प्रथा नियम छै सभा के लेल नियम छै सभा के लेल पहिने बंगालो में छले कुलीन प्रथा कौन कन्नौजो में छले लिच्छवी संघ में तो हो छले यहाँ के जे दक्षिण बिहार तो हो छले लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए हाँ विलुप्त हो नेपाल में छले या आयो नेपाल के लाइब्रेरी में ही पढ़ी पुस्तक छे मिथिला एकरा अखन तक जिंदा रखने छै जीवित रखने छै हां जीवित रखने मिथिले ता जीवित रखने छै हां आ जो ई प्रथा बंद भ जाय तखन गुरु रे पशुपते भ जेतै संबंध कुल बाते नै जे ई बाबा छिया कि ई पिसा छिया कि मोसा छिया कोनो संबंध के दायरा नै रहतै ककरो ककरो कोनो से रिश्ता किछु नै ककरो पर क्यों विश्वास नै करतै ई एक तरह से बुझो जे विश्वास करे के हो हो एकरा ते द्वारे पूर्वज चलबै दै छथिन ई हमर मम्मी छिया ई हमर पिसियो छिया
ई हमर सुरक्षे करता ई हमरा असुरक्षा में नहीं गौ सके छ ई जे विश्वास होय छ एते संबंधे के आधार पर हां रिश्ता एही पर छ बने तै द्वारा एकरा पूर्वज सब ओय तरह से बना के रखने छथिन जे हम सब अपन रिश्ता के महत्व बुझल रहे हां हां कता की करे के छ कता नहीं करे के ठीक छ ए विषय में जो चाहे ते जानकारी छ एकर पंजीकर तो अहाँ सब देखलो जे चच्चा जे छथिन ई कते मतलब गहीर गप कह सके छी कते नॉलेजेबल बात कर लेते हैं जे शायद कहियो नहीं सुनने अभी हम जिंदगी में पहली बेर सुन लो बगल में घर है लेकिन पता नहीं रहा जे इतने नॉलेज छ इनका लगे हमरो नहीं बुझल रहा अहाँ सबके नहीं बुझल है तो हम चाहब जे ई वीडियो के जतः जतः छी क्योंकि हमर व्यूअर सब अहाँ सब जर्मनी अमेरिका बहुत जगह के छी सब ठम वीडियो के शेयर करियो ताकि देखियो जे एहन अनुभवी आदमी इतने नॉलेज इतने ज्ञान रखे इतने शालीनता से अपन घर में इंसान रहे छी तो बस यह चाहब जो मिथिलावासी अपन मिथिला के लोग और इतने गर्व के गपे जे एहन पंजीकार हमरा सब के बीच में ये वीडियो के आगू बढ़बियो ताकि और लोग एकरा देख सकथिन और जान पाथिन जे एहन इंसान हमरा सब के बीच में अखनो छ तो मिथिलावासी प्रणाम में हमर मिथिलांचल ब्लॉग्स के वीडियो के आगू शेयर करूँ जय मिथिला जय मैथिली।